Welcome to another practice question of trigonometry. This is the 98th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous videos as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE एग्जाम्स ऑफ 2008 में. इस चैनल पर हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और NCERT टेक्सटबुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो सॉल्यूशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा. अब इसे सॉल्व करते हैं. चलिए, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे हम. हमको पता है कि sec ऑफ एक्चुअली cosec ऑफ हमें पता है कि cosec ऑफ थीटा इज इक्वल टू sec ऑफ 90 माइनस थीटा. ओके, cosec ऑफ थीटा इज इक्वल टू sec ऑफ 90 माइनस थीटा. अब अगर इस फॉर्मूले को मैं इधर RHS में अप्लाई कर दूँ, इस फॉर्मूले को मैं इस RHS में अप्लाई कर दूँ, तो मैं इस cosec a माइनस 42 को क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ sec ऑफ 90 माइनस a माइनस 42. ये मैं लिख सकता हूँ. ये sec 2a ऐसे का ऐसा ही रहेगा. sec 2a इज इक्वल टू दिस. अब देखिए, इससे होता क्या है कि मैं sec और sec को हटा सकता हूँ यहाँ से और 2a को इस टर्म के साथ इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि 2a एक अक्यूट एंगल है. ठीक है, याद रखिएगा कि साइन कॉस टैन sec cosec कुछ भी हो, अगर sec ऑफ a इज इक्वल टू sec ऑफ b है, ठीक है, sec ऑफ a इज इक्वल टू sec ऑफ b है, तो a इज इक्वल टू b होगा अगर a और b दोनों अक्यूट एंगल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ मुझे पता है कि ये दोनों अक्यूट एंगल्स हैं क्योंकि 2a इज एन अक्यूट एंगल. ठीक है, तो मैं इसे रिप्लेस करके इक्वेट कर सकता हूँ. तो अगर मैं sec और sec हटा दूँ तो मुझे मिल जाता है 2a इज इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 42. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 42. ये हो जाता है 3a इज इक्वल टू 132 और a हो जाता है 132 बाय 3, 3 4 ज़ा और 4 ज़ा. ओके, तो a इज इक्वल टू 44 डिग्री आता है एंड दिस इज़ द आंसर. ओके, वी वर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a इज 44 डिग्रीज. आई होप यू फाउंड द सॉल्यूशन यूजफुल. डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. इन केस यू वांट मी टू सॉल्व एनी अदर क्वेश्चंस फॉर यू, डू पुट डाउन योर क्वेरीज एट द व्हाट्सएप नंबर मेंशनड इन द डिस्क्रिप्शन. टिल देन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड. चीयर्स एंड गॉड ब्लेस.